आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पेचुला एंड हीटेड इट। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure. तो आप लोग के बुक में फिगर दिए गए हैं, आप लोग देख लेंगे फिगर को। अब क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, What will be the action of gas on dry litmus paper? और सेकेंड क्या कह रहा है, moist litmus paper। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं हम लोग आंसर क्या होता है। तो सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। तो इन दिस केस क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विच इज एसिडिक। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा जो कि नेचर उसका बिहेवियर उसका एसिडिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोट डाउन करते हैं इसका आंसर। सल्फर इज अ नॉन मेटल और क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। ओके, तो आपको हमेशा ये चीज याद रखना होगा, आप लोग एकदम रट लीजिए कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, और जितने भी मेटल्स हैं उसके जो ऑक्साइड्स होंगे बेसिक होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में हमेशा रखें क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन दिस केस सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इज प्रोड्यूस्ड विच इज एसिडिक। ठीक है, आपका जो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या मतलब उस पे फर्क पड़ेगा, ड्राई लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए का जो फर्स्ट है उसमें क्या हो जाएगा, नो एक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, कोई एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन ऑफ द गैस। वही आपका क्वेश्चन नंबर टू जो दिया हुआ है, नाइन्थ के क्वेश्चन नंबर ए के क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड जो दिया गया है, मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर जो है उनमें क्या हो जाएगा चेंजिंग, देख लीजिए, मॉइस्ट लिटमस पेपर will turn red। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाइन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन ए का फर्स्ट एंड सेकेंड का आंसर। लेकिन आपको इसमें एक क्वेश्चन और दिए गए हैं, जैसे इसको मैं क्लियर थोड़ा कर लूं उसके बाद मैं आपको उसका भी डील करती हूँ, या फिर साइड में कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए साइड ही कर देते हैं, आप लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम लोग इधर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी जो आपका दिया गया है क्या है, क्वेश्चन नंबर बी जो दिया है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इसमें जो रिएक्शन हुआ उसका आपको बैलेंस रिएक्शन लिखने बोला जा रहा है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने बोला जा रहा है। चलिए हम लोग लिखेंगे केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, आंसर यहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सल्फर है, ठीक है, सल्फर क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ यस हम लोग लिख लेंगे। उसको हम लोग O2 की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो यहाँ ये O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, गैस है आपका, ये क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, SO2, ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी आपका गैस है। ठीक है, तो ये आपका 9th का क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको बाकी के जो प्रश्न के आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करें और हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां आपको बाकी के जितने भी प्रश्न हैं उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।